हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम सोशल स्टडी में लेसन 13 सेफ्टी हैबिट्स पढ़ेंगे। रीड करने से पहले आपको कुछ न्यू वर्ड्स जो लेसन के अंदर आते हैं और नोटबुक में मैंने लिखे हैं, आप पहले इसे रीड करेंगे और अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे, फिर उसके बाद लेसन रीड करेंगे। लेसन 13 सेफ्टी हैबिट्स, सुरक्षा की जो आदतें होती हैं हमें, वो कैसी होनी चाहिए वो हम लेसन में पढ़ेंगे। डिफिकल्ट वर्ड्स सेफ्टी। अब मैं सारे स्पेलिंग रीड करने हैं और वर्ड्स बोलने हैं। SAFETY सेफ्टी। PROTECT प्रोटेक्ट, ING लग गया, क्या बन गया? प्रोटेक्टिंग। OUR SELVES सेल्स, आवर सेल्स। ACCIDENT एक्सीडेंट। BENEFITS बेनिफिट्स। INJURIES जरिस, इंजरीज। SHOULD शुड। ये शुड जो भी वर्ड आता है ना बुक में, मैं हर बार आपको करवाती हूँ, क्योंकि इसे बच्चे पता क्या बोलते हैं, शाउल्ड, तो इसलिए ध्यान रखना है। SHOULD शुड, इसमें L साइलेंट है और O भी। SHARP शार्प। KNIFE नाइफ, इसमें K साइलेंट है, कनाइफ नहीं बोलना, नाइफ। SCISSORS सीजर्स, सीजर्स, तो इसमें SSORS, तो स्पेलिंग लर्न करने पड़ेंगे आपको ध्यान से। BLADES ब्लेड्स। PLUGS प्लग्स, जैसे प्लूरल में ही लिखा है ना बुक में, तो मैंने प्लूरल में लिखा है क्योंकि आपने बुक में रीडिंग करनी है, वैसे प्लग होता है तो यहाँ प्लग्स लिखा है, तो प्लग्स ही नोट बुक में लिख दिया मैंने, तो आपको पढ़ना भी वैसा ही है। WIRE वायर, अब एस लगा, वायर्स। HEAT हीट, ER हीटर, एस लगा, हीटर्स। LOCKED लॉक्ड। STRANGERS स्ट्रेंजर्स। STAIRS स्टेयर्स। BENCHES बेंचेस। UNLEESS अनलेस। CROSSING क्रॉसिंग। ACCEPT एक्सेप्ट। PEDESTRIAN पेडेस्ट्रियन। तो आपको मैंने जैसे एक एक बार बोला है, तो आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है, फिर उसको 5 टाइम्स स्पेलिंग बोलकर रीड करना है। ये सारे वर्ड्स के स्पेलिंग लर्न हो जाएंगे, तो हम जब लेसन रीड करेंगे तो हमें बहुत इजी लगेगा। अब हम लेसन रीड करेंगे। सेफ्टी हैबिट्स। सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम एन एक्सीडेंट। सेफ्टी का मतलब होता है जो हमें एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना से प्रोटेक्ट करता है, दुर्घटना होने से बचाता है। सेफ्टी हैबिट्स आर फॉर आवर बेनिफिट। सुरक्षा की जो आदतें होती हैं वो हमारे लिए लाभदायक होती हैं, बेनिफिट्स होती हैं। दे सेव अस फ्रॉम इंजरीज, वे हमें जख्मी होने से बचाती हैं, कोई भी इंजरी नहीं होती अगर हम प्रोटेक्टिंग रहते हैं। सो वी शुड फॉलो देम, इसलिए हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए। अब जैसे इस बच्चे ने नाइफ पकड़ा हुआ है ना, एप्पल काट रहा है, तो क्या है, छोटा बच्चा नाइफ से कुछ भी काटेगा तो उसके हाथ में लग सकता है, तो इसलिए ये दिखाया है कि बच्चों को ऐसे नाइफ, कौन कौन सी चीजें नहीं लेनी चाहिए हाथ में। सेफ्टी एट होम, घर पर हम अपनी सेफ्टी कैसे रखेंगे? छोटे बच्चे, डोंट प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक नाइफ, सीजर्स एंड ब्लेड्स। हमें तेज धार वाले
चीजों को नहीं पकड़ना चाहिए, जैसे नाइफ यानी कि चाकू, सीजर्स, कैंची और ब्लेड। डोंट टच प्लग्स एंड वायर्स, हमें प्लग और वायर को टच नहीं करना है। स्टे अवे फ्रॉम गैस स्टोव्स एंड हीटर्स, गैस स्टोव और हीटर से हमें दूर रहना है। डोंट प्ले विद फायर, आग से नहीं खेलना है। ऑलवेज कीप द डोर लॉक्ड एंड डू नॉट ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स, हमेशा डोर को लॉक करके रखना है और अनजान व्यक्ति के आने पर नहीं खोलना है। जैसे गेट पर आप चले गए, कोई अनजान व्यक्ति आया तो डोर ओपन नहीं करना है। ये हमें घर पर सेफ्टी रखनी है बच्चों को। नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में हम अपनी सेफ्टी कैसे रखेंगे? डू नॉट पुश और पुल अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों को हम ना तो धक्का मारें और ना ही खींचे। पुश और पुल यानी कि पुश भी नहीं करना, पुल भी नहीं करना। डू नॉट रन अप डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर में हमें ऊपर और नीचे कभी भी दौड़ना नहीं है। डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस, बेंचेस पर कूदना नहीं है, जंप नहीं करना। डू नॉट थ्रो थिंग्स ऑन योर फ्रेंड्स इन द प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड में हमें फ्रेंड्स पर कोई भी चीज नहीं फेंकनी है। जैसे मान लो बॉल से खेल रहे हैं, कोई भी चीज आपके हाथ में है तो उन पर नहीं फेंकेंगे, खेलेंगे ओनली। नेवर लीव स्कूल अनलेस यू आर पिक्ड अप बाय योर पेरेंट्स, स्कूल आपने तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपको पेरेंट्स लेने नहीं आते हैं। तो ये स्कूल में सेफ्टी रूल्स रखने हैं आपने। ये छोटी छोटी बातें आपको टीचर्स भी सिखाती है, हम लेसन में भी पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये रीडिंग आप बच्चों को करनी आनी चाहिए। सेफ्टी ऑन रोड, रोड पर हम अपनी सेफ्टी कैसे रखेंगे? ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। स्टॉप एंड लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड, जब हम रोड क्रॉस करें तो हमें दोनों तरफ देखना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, इट इज नॉट ए प्ले ग्राउंड, हमें सड़क पर कभी नहीं खेलना चाहिए क्योंकि ये प्ले ग्राउंड नहीं है। नेवर एक्सेप्ट अ राइड फॉर एनी स्ट्रेंजर्स, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना है। पीपल हु वॉक ऑन द रोड आर कॉल्ड पेडेस्ट्रियन, जो लोग पैदल चल रहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पैदल यात्री। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। द रेड लाइट टेल्स अस टू स्टॉप, रेड लाइट कहती है रुको। द येलो लाइट टेल्स अस टू बी रेडी, येलो लाइट कहती है तैयार हो जाओ। द ग्रीन लाइट टेल्स अस टू गो, ग्रीन लाइट कहती है चलो। तो ये तो आपको पोयम भी आती है, रेड लाइट है ना, स्टॉप रेडी एंड गो। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग में जब हम यात्रा करते हैं तो हम तब क्या करें? ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू टू बोर्ड अ बस, हमेशा लाइन में खड़े होना चाहिए बस में चढ़ने के लिए। जैसे ये सब बच्चे देखो, सभी लोग जो है लाइन से जा रहे हैं। डोंट नॉट स्ट्रेच और पुट एनी पार्ट ऑफ बॉडी आउटसाइड अ मूविंग व्हीकल, जब कोई भी व्हीकल में हम चल रहे हैं जा रहे हैं तो कभी भी अपना बॉडी पार्ट बाहर ना निकालें। डू नॉट रन इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग व्हीकल, चलते हुए व्हीकल के आगे कभी भी नहीं आना चाहिए। सेफ्टी वाइल प्लेइंग, जब हम खेल रहे होते हैं तब हम अपनी सेफ्टी कैसे रखेंगे? डू नॉट स्विम विदाउट अ स्विमिंग ट्यूब एंड विदाउट अ कोच, अब यहाँ स्विमिंग के बारे में बताया कि हमें कभी भी अपने आप स्विमिंग नहीं करनी है, किसके बिना? विदाउट स्विमिंग ट्यूब, ट्यूब होती है ना जो हम डालते हैं, और विदाउट कोच जो सिखाता है स्विमिंग करना, उसके बिना कभी भी स्विम ना करें। डू नॉट पुश ईच अदर ऑन द स्विंग्स, झूलों पर किसी को भी धक्का ना दें। डू नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम आर रूफ टू विदाउट बाउंड्रीज, बिना बाउंड्री वाले रूफ पर हम कभी भी काइट्स को फ्लाई ना करें, पतंग नहीं उड़ाएं। डू नॉट टीज स्ट्रे एनिमल्स, दे मे बी बाइट यू,
कभी भी एनिमल्स जो स्ट्रेट वाले एनिमल्स होते हैं उनको टीज यानी कि तंग ना करें, नहीं तो वो तुम्हें काट सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे डॉगी को छेड़ देते हैं, पत्थर मार देते हैं, तो वो नहीं तो डरते भी हैं बच्चे कुछ। अगर आप जा रहे हैं, आप उन्हें कुछ भी नहीं कहते तो आपको कभी भी बाइट नहीं करेंगे, तो आप उन्हें टीज करेंगे तो बाइट भी कर सकते हैं। अब फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एड होता है प्राथमिक चिकित्सा। कभी किसी को चोट लग जाए, जख्म हो जाए, तो उसके हम कैसे डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हम अपनी सेफ्टी करते हैं उसे कहते हैं फर्स्ट एड। अब किसी को बच्चे को घर में चोट लग गई, बहुत ज्यादा गिर जाते हैं या हाथ कट जाता है, तो मम्मी क्या करती है, उस पर कुछ ना कुछ बांध देती है, कुछ लगाती है, तो उसे कहते हैं फर्स्ट एड। द हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इमिजिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। यानी कि जख्मी व्यक्ति की सहायता जो करते हैं एकदम आफ्टर द एक्सीडेंट, दुर्घटना होने पर, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। एवरी होम एंड एवरी क्लास मस्ट हैव अ फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट मीन्स जो जिसमें सामान रखा होता है फर्स्ट एड का। फर्स्ट एड में बहुत जरूरी सामान क्या होना चाहिए, एंटीसेप्टिक होनी चाहिए, ट्यूब, और ये ऐसे बैंडेज होनी चाहिए, डिटोल होनी चाहिए, कुछ ऐसी सीजर्स वगैरह होनी चाहिए जो हम इसको काट सकें। तो ऐसे किट बनी होती है जिसमें फर्स्ट एड का पूरा सामान रखा होता है। वेन एवर सम वन गेट्स हर्ट द वाउंड शुड बी इमिजिएटली वॉश्ड विद रनिंग वाटर एंड क्लीन विद अ एंटीसेप्टिक। जब किसी को कोई चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे एकदम साफ पानी रनिंग वाटर से क्लीन करते हैं और उस पर एंटीसेप्टिक लगा देते हैं। तो यहाँ तक आपका लेसन है। इस लेसन को आपने पूरा रीड करना है, सेफ्टी हैबिट्स। और इसके साथ, क्योंकि कल संडे है, ड्राइंग का वर्क भी दे रही हूँ। पेज नंबर 22, यह है स्नोमैन। तो आपको ड्रॉ भी करना है और इस तरह से कलर भी करना है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।